आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, आज का मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोर पैराबोलास व्हिच एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पैराबोला को वाई एक्सिस पे। तो मान लो कि हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पैराबोला वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में हमारा पैराबोला कैसा ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि जो हमारा x है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा बट y नहीं होगा, और इसकी इक्वेशन हमारी हो सकती है x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई माइनस वाई वन। वाई एक्सिस में हमारा पैराबोला की इक्वेशन ये होती है। बट अगर इसकी एक्सिस हमारी y एक्सिस पे हुई तो इसका मतलब क्या, हमारा जो ये पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू जीरो पे लाई कर रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा x1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई माइनस वाई वन। तो अब हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बस सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई माइनस फोर ए वाई वन। इसको पूरे को दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो हमें पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू सॉरी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4a कांस्टेंट है तो ये 4a इंटू ये हमारा y क्या आ जाएगा, हमारा y आ गया यहाँ से dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे, और ये हमारे कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये प्लस जीरो, ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि a और हमारा y1 कांस्टेंट है। तो ये हो गया। अब इसको हम एक और बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, या इसी को पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 2x बाई 4a जो कि हमारा हो जाएगा x बाई 2a, ठीक है। इसको अब हम पुट करते हैं हमारी इस इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन निकालने से हमारा क्या आएगा, ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए, ये आ गया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो हमें मिल रहा है कि x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा है बराबर, इससे इसके साथ देखो इसको इसके बराबर बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वन अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स है हमारा एक्स बाई टू ए। तो यहाँ से वन अपॉन टू ए क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा। तो बस यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एक्स को उस तरफ जाने दो। तो ये हो गया एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमारी सारे पैराबोलास जिसकी एक्सिस हमारी हो वाई एक्सिस पे, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।